इसने बनाया, प्रभु ने बनाया। तो जैसे हम शादी में जाते हैं, सारा परिवार नहीं जाता, और जब साड़ी ले लो, ये ले लो, खुशी से जाते हैं, तो प्रभु के भवन भी ऐसी है हम आते। और जब हम इसे समय व्यतीत होता है, जब पीछे से जो तकलीफें शुरू हो जाती है ना, वो फिर ना तो दुआ से ना दवा से ठीक होती, क्योंकि वो मुसीबत का जड़ बन जाती। मेरे साथ ऐसी हुआ। एक और गवाही, मैया हमारी मकान मालिक है, ये रेंट पे है, मेरे अंदर ये एक सच्चाई है, झूठ नहीं है। ये सारा 9000 जाता है इसका किराया, बिजली का बिल अलग है। ये हमारे मां, ये प्रभु का कुछ प्रेम इनसे था, बहन से। ये तो बहन यहाँ ही है, ये पागल थी बिल्कुल, बिल्कुल पागल। और भाई वो सो गए क्या? अरे सो नहीं, सो गए? अरे नहीं, सो मत जरा, देखो तुम्हारे को तो, तुम्हें तो बीमार हो, तुम तो ठीक हो जाओगे, ऐसी ऐसी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब इनको ये पागल, यानी कि 18 साल से बीमार, और जब हम यहाँ आए, प्रभु लेके आए इस भगन मकान में, जिस दिन आया उस दिन बहन कहने लगी कौन आ गए, ये तो मच्छी मुर्गा मुर्गा खाने वाले हैं, यहाँ कोई और रहता था, ये खाली हुआ तो फिर एक और आया, फिर हमने ले लिया चर्च के लिए। हमने नहीं लिया, प्रभु ने दिलाया चर्च के। और फिर ये बहन आने लगी प्रार्थना में, आते आते बहन को ठीक मिल, चंगाई दे दी प्रभु यीशु मसीह ने। 18 साल से जो पागल, 18 साल से जो बीमार, जो परेशान, जो सारे हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। उसकी गवाही सुने, जो भी है, अगर कारण होता मेरे, जो वो कहते हैं वो
आ रहा था, फिर चले मेरा नाव ऊपर के नहीं पापा तो जा रही, फिर मैं आई मकान में आती चली जाती, यहाँ आने के बाद फिर आ जाती। फिर उसके धन्यवाद हो कि वो काम पूरा हुआ है, काशी में जो गलती हुई है ये दोबारा गलती हुई है आगे से ना करें। पहले भी गलती हुई थी, मैंने पैसे निकाल लिए थे घर में, ऐसा कोई रईस नहीं है कि पैसे हो जाते एकदम, उन्होंने इनमें से कर्जा निकाल लिया, बोले चलो रख देंगे जब जाएंगे वहाँ पेट देने। तो जब भी दादी की यही हालत हुई थी ये अस्पताल ले गए थे, तो जब फ्री में तो मैं इन्होंने प्रार्थना करी थी 100 रुपये हाथ में लेके गए, प्रार्थना करते गलती में हमने उसका हमने पैसे निकाल लिए। कभी भी ऐसी गलती ना करें, और अब ये दोबारा गलती हुई है इनके साथ कि वहाँ बचा नहीं पाए। फिर जी का धन्यवाद हो। अगर विश्वास है आज इस नंबर में कम से कम 3-4 हज़ार लोग होते जब फायदा हो जाते हैं तो जब आते हैं प्रार्थना कराते हैं 3-3 बार, अब फिर भी मुझे तो भूल जाते हैं कि हम लोग जो खाना टाइम से मिल गया, मजे से रह रहे हैं, बड़े राजा बन गए। तो फिर मुझे का धन्यवाद हो, ऐसा ना करें। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, आज मुझे चिंगारी मिली है तो यहाँ से मिली है और मैं आऊँगी। क्या बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह। ये बहन पहले आती थी बहुत पहले, और मैं भी जाता था इनके घर में, जो इनकी मकान वाली को बैठी है, तो इन्होंने प्रभु को ही अपना लिया। हालेलुया, लोग बात को छोड़ के इन्होंने अपना लिया, प्रभु को ही अपने घर में बुला लिया, और प्रभु इनके जरिए कितने काम कर रहा है। बेकार की बात क्या करेंगे प्रभु यीशु मसीह।
देखो भारती की गवाही, टेलीफोन से प्रभु की दासी ने प्रार्थना करी और इनकी मम्मी के ऊपर जो जीत था, भूत था, प्रीत था, बीमारियां सारी गए। वो हिसाब से खाने का और हर चीज का इंतजाम करें। हैलेलुया।
भेज दो। आइए अब हम चाय पानी के ऊपर दुआ करेंगे। चाय पानी जो हम हर संडे हम नहीं बांटते, ये प्रभु बांटते, ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन हम तो ये कहते हैं खुदा से, खुदा तू इतना दे कि हर संडे को खाना बांटा जाए। हालेलुया, लेकिन इतना दे दे तू कि लोग आत्मिक और संसारिक भोजन से तृप्त होके जाए। देने वाला वो है, लेने वाले हम, वो देता है तो जब ही तो बढ़ता है। आइए हम लोग धन्यवाद करते हैं जय खुदा, एक दफा फिर तेरे कदमों में आते सारे प्रोग्राम को आपने अपने हाथ पे लिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं जय खुदा, धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो आपने हमें दिए, जितने लोग यहाँ आए जय खुदा, नाम बे नाम एक एक जन पे आपका लहू लगाते हैं ताकि आपके लहू की सामर्थ्य पे भरे पाए, और जो भी चाय पानी पिए उसमें तेरा लहू छिड़कते हैं, उसमें लहू आ जाता है और लहू की सामर्थ्य उस चाय पानी पे उतर आए और नाश्ते में उतर आए, ताकि जब तेरे लोग ये खाते इनके अंदर से बीमारी, इनके अंदर से परेशानी, चिंताएं, बांझ को सारी की सारी खुल जाए और सारी आशीष खुल जाए और वो बंधन टूट जाए, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय प्रार्थना